हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CTET एंड TET प्रिपरेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं EVS के NCERT नोट्स को लेकर आई हूँ। यह आपके CTET एग्ज़ाम पेपर वन के लिए, जो 1 to 5 के लिए होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग पेपर वन की तैयारी करते हैं, वे लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड कलर का बटन होगा जिसे सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में एक घंटे का बटन आएगा, उसको भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए शुरू करते हैं। सुनीता अंतरिक्ष में इससे संबंधित नोट्स है, चैप्टर जो था EVS का, सुनीता अंतरिक्ष में। सुनीता विलियम्स 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। सारा आसमान, चांद, तारे, सूरज सब अंतरिक्ष में ही है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 6 महीना लगातार अंतरिक्ष में रही सुनीता विलियम्स। अब पृथ्वी पर हर चीज़ को, पृथ्वी जो है सो हर चीज़ को अपनी ओर खींच कर रखती है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने ओर सब चीज़ को खींच कर रखती है। अब देखिए, सुनीता विलियम्स पृथ्वी को 360 किलोमीटर स्पेसशिप में गई थी। देखिए, सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर, कितने, 360 किलोमीटर स्पेसशिप में गई थी। सुनीता कहती है कि इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और ज़मीन कहाँ है। जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो बस इतना ही दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और ज़मीन कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते, क्योंकि ज़मीन का और देशों का बंटवारा तो हम लोगों ने किया है, इसलिए सिर्फ ज़मीन और महासागर ही दिखते हैं, समुद्र ही दिखते हैं। आगे है, सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। यहाँ सुनीता विलियम्स अपने बारे में बताती है कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी और उन्होंने तैराकी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, ख़ास तौर पर तैराकी पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रही, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी। सुनीता बनना तो गोताखोर चाहती थी, लेकिन बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। और सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बनी। सुनीता विलियम्स जो है, यह अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बनी। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सन 1969 में गए थे नील आर्मस्ट्रांग। सुनीता विलियम्स बताती है अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। सुनीता विलियम्स जब अंतरिक्ष में गई थी तो वहाँ पे कुछ मज़ेदार हो रहा था घटना, उसके बारे में सुनीता विलियम्स बताती है कि वहाँ पे कैसे कैसे हो रहा था। वो बताती है कि हम एक जगह टिक कर तो बैठ ही नहीं सकते थे, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे, लगातार तैरते रहते थे। और पानी भी जो था, पानी जो लेकर साथ में वो लोग गए थे, सो पानी एक जगह नहीं टिकती थी, बुलबुले के रूप में इधर उधर उड़ता फिरता था। और हाथ मुंह अगर धोना हो तो धोने के लिए क्या करना पड़ता था कि तैरता हुआ बुलबुला जो होता था उसको पकड़ कर कपड़ा भींगाना पड़ता था बुलबुले से, उसके बाद ही हाथ मुंह साफ करते थे। और अंतरिक्ष में कंघी भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि बाल हमेशा ऊपर की तरफ खड़ा रहता था, तो वहाँ पे कंघी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा कठिन था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो क्या करना पड़ता था कि अपने आप को बेल्ट से बांधना पड़ता था, और कागज़ भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, कागज़ को भी दीवार से बांध कर रखना पड़ता था। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे मज़ा भी आया, अंतरिक्ष में रहना मज़ेदार भी था लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा भी था। इस चैप्टर का नोट्स यहाँ पे समाप्त होता है। आगे की वीडियोस में मैं और भी इंपॉर्टेंट नोट्स को लेकर आऊँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें और हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।